सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मैं विजय तिवारी, जीव विज्ञान क्लास 12 की विषय वस्तु के अंतर्गत लेसन नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थात पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का अध्ययन करेंगे। वास्तव में विभिन्न प्रकार के ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल के दौरान प्रजनन की अवस्था में युग्मकों का निर्माण करके पॉलिनेशन यानी परागण तथा निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा जायगोट का निर्माण करते हुए बीज के अंकुरण के उपरांत नवीन पौधे का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रजनन की प्रक्रिया को वास्तव में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पुष्पीय पौधे क्या कहलाते हैं? वास्तव में ऐसे विशेष प्रकार के उच्च विकसित प्रकार के पौधे जिनमें पुष्प एक लैंगिक अंग के रूप में काम करता है और लैंगिक अंग के रूप में पुष्प कार्य करते हुए नवीन संतति के निर्माण में भाग लेता है। ऐसे पुष्पों के लैंगिक अंगों के विकास उनके परागण निषेचन आदि प्रक्रिया के द्वारा जब नवीन संतति निर्मित होता है इस प्रकार के पौधों की प्रजातियों को पुष्पीय पादप के अंतर्गत रखा जाता है। पुष्पीय पौधों में जो प्रजनन की प्रक्रिया है यह कई पदों में संपन्न होती है। प्रत्येक पद क्या क्या हो सकते हैं, पूरे पुष्पीय पादप की प्रजनन प्रक्रिया को हम किन किन पदों में अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर अर्थात एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना क्या है। क्योंकि पौधे पुष्पीय पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया पुष्प से होती है तो एक वास्तविक पुष्प की संरचना कैसे है, क्या क्या महत्वपूर्ण उसके अवयव है, उन अवयवों के कार्य क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हम स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर के बतौर प्राप्त करते हैं। द्वितीय पद के अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विथ माइक्रोस्पोर्स आर मेल गैमेट्स अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना और उसके विकास की प्रक्रिया को बताना है। साथ ही साथ जो नर युग्मक के रूप में जो माइक्रोस्पोर का विकास होता है उसकी प्रक्रिया को समझाना हमारा द्वितीय स्टेप के अंतर्गत। तृतीय पद के अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम विथ मेगास्पोर्स अर्थात मेगास्पोर्स जिसे हम गुर बीजाणु के रूप में बोलेंगे, वास्तव में ऐसे गुर बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझाने के लिए उसकी संरचना उसके विकास साथ ही साथ बनने वाले मादा युग्मक अर्थात मेगास्पोर्स की संरचना तथा उनकी व्यवस्था के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तीसरे पद के अंतर्गत पॉलिनेशन, पॉलिनेशन यानी परागण, परागण की प्रक्रिया उसके प्रकारों और उसके इंपॉर्टेंस को बताना है अर्थात पॉलिनेशन एंड टाइप विथ इट्स इंपॉर्टेंस। साथ ही साथ चौथे पांचवें पद में फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझाएंगे। स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत डबल फर्टिलाइजेशन की बतौर होती है अर्थात दोहरे निषेचन के बतौर होती है। तो इसमें हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को बताएंगे, उसकी प्रक्रिया को बताएंगे तथा उसके इंपॉर्टेंस को स्पेशली डबल फर्टिलाइजेशन के बतौर बताया जाएगा। अगले पद यानी छठवें पद में हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, किस प्रकार के जो फ्लावरिंग पौधे होते हैं उनमें फलों का विकास होता है और फलों के अंदर बीज का विकास कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया को फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड के बतौर बताया जाएगा। अंतिम पद में चूंकि बीज बनने के बाद उपयुक्त परिस्थिति में उपयुक्त
तापमान और आर्द्रता तथा फेवरेबल कंडीशन पर बीज का अंकुरण होता है, जिसे हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। और सीड जर्मिनेट होकर के वास्तव में एक नवोद्भित पौधे का निर्माण करता है। चूंकि प्रजनन प्रक्रिया का मूल उद्देश्य है कि एक पैरेंटल प्लांट से एक इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग प्लांट या संतति प्रजातियों का निर्माण, जब तक एक पुराने पौधे से एक नवीन पौधे की प्रक्रिया को नहीं समझाया जाएगा तब तक प्रजनन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस तरह अंतिम बिंदु के अंतर्गत सीड जर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूली प्लांट्स के बतौर इस पद को भी बताया जाएगा। अब हम पुष्पीय पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को डिटेल करते हैं। प्रजनन वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जैविक प्रक्रम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक जीव के संतति को निर्मित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है, जिसमें प्रत्येक जीव अपने आकार, अपनी रचना, अपनी संरचना और विशिष्टता वाले नवीन संतति प्रजातियों का निर्माण करता है, प्रजनन कहलाता है। अर्थात रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक पैतृक पौधा अपने गुणधर्मों से युक्त एक नवीन संतत प्रजाति का निर्माण करता है। ऐसी प्रक्रिया प्रजनन के नाम से बोली जाती है। जब हम इस प्रजनन की प्रक्रिया को पुष्पीय पौधों में अध्ययन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम पुष्पीय पौधों में प्रजनन के बारे में, जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, किस प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया देखी जाती है, वो अपन पूर्व के चैप्टर में बताया समझाया जा चुका है। इस चैप्टर के हम अंतर्गत केवल लैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पर हम डिटेल विस्तार से देते हैं, जनरली तौर पर स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। अब हम पुष्पीय पौधों के प्रजनन की प्रक्रिया को समझाने के लिए इसका प्रथम पद स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर अर्थात एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कराएंगे, जिसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के पौधों के पुष्पों की संरचना, उनकी व्यवस्था आदि को अलग अलग अवयवों के रूप में या फ्लावर पॉट्स के रूप में अध्ययन करेंगे। एक सामान्य पौधे के अंदर जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज आदि महत्वपूर्ण भाग होते हैं, वैसे ही एक पुष्प में भी अनेक पुष्पीय पत्र या फ्लावर पॉट पाए जाते हैं, जिनको हम अलग अलग व्यवस्थित रूप से नामों से जानते हैं। इन सब की अलग अलग विशिष्ट संरचना और कार्य प्रणालियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले पेडिसिल या पुष्प वृंत का अध्ययन, थैलमस या पुष्पासन, कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, करोला यानी दलपुंज, एंड्रोसियम यानी पुमंग, गाइनोसियम यानी जाया। इस तरह पुष्प के ये छह महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनमें पुष्प के चक्रों के रूप में अगर हम देखें तो सामान्यतः पेडिसिल, थैलमस, कैलिक्स और करोला ये किसी भी पुष्प के सामान्य अंग के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं, चाहे वो पुष्प एक लिंगी हो, चाहे पुष्प द्विलिंगी हो, चाहे पुष्प नर हो या मादा हो। ऐसे विभिन्न प्रकार के पुष्पों में ये अवयव पाए जा सकते हैं। इनको हम सामान्य पुष्पीय पत्र के नाम से बोलते हैं, जिनको हम पुष्प वृंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा एंड्रोसियम, जिसे हम पुमंग के नाम से बोलते हैं, यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बॉडी के नाम से जाना जाता है, अर्थात यह पुष्प का ऐसा महत्वपूर्ण भाग होता है जो नर जनन अंग के रूप में काम करता है। इसी प्रकार गाइनोसियम, जिसे हम जायांग के नाम से भी जानते हैं, यह पुष्प का मादा भाग होता है और जनरली तौर पर यह पुष्प का मादा जनन अंग के रूप में काम करते हुए वास्तव में निषेचन, परागण, निषेचन और
भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया को पूरा करते हुए महत्वपूर्ण फल और बीज के निर्माण में सहभागी होता है। इस तरह कोई भी पुष्प है उनमें ये महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। अब अक्सर एक बात आती है कि किसी भी पुष्प में कितने चक्र होते हैं। सामान्यतः किसी भी पुष्प में अगर रैंडम कोई पूछता है तो सीधे तौर पर चार चक्र बोलना चाहिए। प्रथम चक्र के रूप में कैलिक्स, द्वितीय चक्र के रूप में करोला, तृतीय चक्र के रूप में इंड्रोसियम और चतुर्थ चक्र के रूप में हम गायनोसियम बोलते हैं। अर्थात पुष्प में सामान्यतः चार चक्र पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा पुष्प निश्चित तौर पर द्विलिंगी प्रकार का होता है, अर्थात इनमें प्रेजेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड्रोसियम एंड प्रेजेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गायनोसियम अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा। ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा जननांग एक साथ उपस्थित होते हैं पुष्प स्वाभाविक तौर पर द्विलिंगी हो जाता है, और इस तरह कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम महत्वपूर्ण इन अवयवों से युक्त पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। जनरली ऐसे भी पुष्प मिलते हैं जिनमें इन चार चक्रों की जगह कोई ना कोई एक या तो नर या तो मादा जनन अंग अनुपस्थित होता है। जब किसी भी पुष्प में कैलिक्स करोला के साथ एंड्रोसियम अनुपस्थित होता है तो केवल कैलिक्स करोला और गायनोसियम के कारण पुष्प मादा कहलाता है, लेकिन जब किसी भी पुष्प में कैलिक्स करोला के साथ केवल एंड्रोसियम मिलता है और गायनोसियम अनुपस्थित होता है तो वह पुष्प नर कहलाता है। एंड्रोसियम के कारण पुष्प नर और गायनोसियम के कारण पुष्प मादा सेक्सुअलिटी प्राप्त करता है। इस तरह एकलिंगी पुष्प में तीन चक्र और द्विलिंगी पुष्प में चार चक्र अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। अब पुष्प के विभिन्न अवयव, उनके काम, संरचना, विशिष्टता क्या होती है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह एक टिपिकल फ्लावर की संरचना दिखाई गई है जिसमें पुष्प का आधारी भाग पेड़ से, यह पुष्प का सामान्यतः तने या शाखाओं से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण गोल हरा बेलनाकार भाग होता है जो पुष्प को तने या शाखाओं से जोड़ता है और तने और शाखाओं के भोज्य पदार्थों को पुष्प के विभिन्न पुष्पीय पत्रों तक पहुंचाने का काम करता है। हरा होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और पुष्प को तने शाखाओं से जोड़कर दृढ़ आधार प्रदान करता है, साथ ही साथ पुष्प को सूर्योन्मुख बनाए रखने का काम करता है। पुष्प का दूसरा महत्वपूर्ण भाग जिसे हम थैलमस कहते हैं, यह पेडसिल के ठीक ऊपर की ओर एक डिस्क नुमा रचना होती है जिसमें पुष्प के ये विभिन्न चक्र, चाहे वो कैलिक्स हो, करोला हो, एंड्रोसियम हो या गायनोसियम हो, ऐसे समस्त अवयव जिस आधारीय भाग पर जुड़े होते हैं ऐसी विशिष्ट रचना को पुष्पासन या थैलमस कहा जाता है। इस तरह पुष्प के विभिन्न अवयवों को एक दृढ़ आधार प्रदान करता है। तीसरा और महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम कैलिक्स के नाम से बोलते हैं। कैलिक्स सामान्यतः पुष्प का एक महत्वपूर्ण हरे रंग का और प्रथम चक्र के नाम से जाने जाने वाला महत्वपूर्ण भाग होता है। कैलिक्स सामान्यतः हरे रंग का होता है, निश्चित तौर पर यह प्रकाश संश्लेषण में भी भाग ले सकता है और जब तक पुष्प खिला नहीं होता तब तक उसकी कली की अवस्था में पुष्प के आंतरिक अवयवों को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और एक बाह्य आवरण के रूप में काम करता है। सामान्यतः कैलिक्स पुष्प का प्रथम चक्र होता है। इसकी एक इकाई सेपल कहलाती है। अलग अलग प्रकार के पुष्पों में सेपल की व्यवस्था भी भिन्न भिन्न मिलती है। अगर हम धतूरे को देखें, सामान्यतः इस पुष्प में देखें तो कैलिक्स आपस में प्रत्येक सेपल जुड़ी अवस्था में मिलता है और यह कंडीशन गैमोसेपलस कंडीशन कहलाती है। गुलाब में देखें, गुलाब में प्रत्येक सेपल अलग अलग अवस्था में एक दूसरे से पृथक अवस्था में मिलता है और यह अवस्था कैलिक्स की गुलाब में पॉलीसेपलस कंडीशन कहलाती है। इस तरह इसकी एक इकाई सेपल कहलाती है। पुष्प का कैलिक्स सामान्यतः हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा और कली की अवस्था में आंतरिक
अंगों की या पुष्प के अन्य पुष्पीय पत्रों के प्रोटेक्शन का काम करेगा। पुष्प का द्वितीय चक्र जिसको हम सामान्यतः दलपुंज या करोला के नाम से बोलते हैं, यह करोला पुष्प का सबसे सुंदर आकर्षक रंगीन भाग होता है। इनमें अलग अलग वर्णक उपस्थित होने के कारण लाल, पीले, सफेद, नीले, बैगनी या गुलाबी आदि कलरेशन या वर्णक उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण पुष्प सुंदर, आकर्षक, रंगीन दिखाई देता है। पुष्प की इस महत्वपूर्ण रचना को द्वितीय चक्र के रूप में अध्ययन करते हैं, अर्थात दलपुंज पुष्प का द्वितीय और महत्वपूर्ण चक्र होता है। इसकी एक इकाई पेटल कहलाती है और प्रत्येक अलग अलग पुष्पों में पेटल की व्यवस्था अलग अलग होती है। अगर हम सामान्यतः धतूरे के पुष्प को गौर से देखें या बैगन के पुष्प को देखें, कुकर विटेसी मेंबर के ढेर सारे पौधे हैं, लौकी है, कद्दू है, इनके पुष्पों को हम गौर से देखें, ये सब के सब गैमो पेटलस कंडीशन पे होते हैं, अर्थात प्रत्येक पेटल की इकाइयां आपस में संयुक्त होकर एक घंटी नुमा या चक्राकार या एक विशिष्ट आकार की प्राप्त करती हैं। इस प्रकार यह कंडीशन गैमो पेटलस कहलाती है। अगर हम गुलाब के पुष्प को देखें, धतूरे उसके गुड़हल के पुष्प को देखें, सरसों के पुष्प को देखें, इन पुष्पों में पॉली पेटलस कंडीशन मिलती है, क्योंकि प्रत्येक पेटल एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होता है और इस प्रकार ऐसे पुष्प पॉली पेटलस फ्लावर कहलाते हैं। यह पुष्प का द्वितीय और महत्वपूर्ण चक्र है। रंगीन, आकर्षक, सुंदर होने के कारण पुष्प के आकर्षण का केंद्र होता है। जनरली तौर पर ऐसे पुष्प का यह महत्वपूर्ण भाग कीटों को परागण हेतु अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे प्रजनन की मूल उद्देश्य की पूर्ति होती है। सामान्यतः ऐसे पौधे जो सामान्यतः दिन की अवस्था में पुष्प निकालते हैं, उनमें रंग की प्रधानता होती है, अर्थात उनमें विशिष्ट वर्णक होते हैं, उनके पुष्प रंगीन होते हैं। चूंकि इन रंगों के कारण पुष्प में विशिष्ट आकर्षण बनेगा और कीट उनकी ओर शीघ्रता से परागण हेतु आकर्षित होते हैं। लेकिन ऐसे पुष्प जो रात्रि में खिलने की प्रवृत्ति वाले होते हैं, उन पुष्पों में रंगों की नहीं मकरंदों की प्रधानता होती है, अर्थात उनमें नेक्टर्स होते हैं और नेक्टर्स के कारण इनमें विशिष्ट गंध होती है। जनरली इनमें भी नेक्टर्स होंगे, लेकिन प्रबल नेक्टर्स रात्रि वाले पुष्प के, जिसके कारण चारों ओर पुष्प की एक विशिष्ट सुगंध व्याप्त होती है और उस सुगंध को से आकर्षित होकर पुष्प परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अर्थात दिन में खुलने वाले पुष्प सामान्यतः रंगीन और रात्रि में खिलने वाले पुष्प सामान्यतः श्वेत आभा वाले होते हैं। अब पुष्प के तृतीय चक्र के बारे में, जिसको हम सामान्यतः नर जनन अंग के नाम से बोलते हैं, जिसको हम एंड्रोसियम के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोसियम किसी भी पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है और जनरली तौर पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के पुष्पों में एंड्रोसियम की व्यवस्था, एंड्रोसियम की व्यवस्था संख्या, इनके प्रत्येक एक इकाई स्टेमेंस के नाम से बोली जाती है। यह पुष्प का तृतीय चक्र और इसकी एक इकाई स्टेमेंस कहलाती है। इस अलग अलग विभिन्न प्रकार के पुष्पों में, इस पुष्प में स्टेमेंस की संख्या अलग अलग हो सकती है। जनरली तौर पर इसमें 5 दिख रही है, आप 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, और इस तरह पुष्पों के अंदर यह एक महत्वपूर्ण ऐसा विशिष्ट भाग होता है जो नर जनन भाग के रूप में काम करता है। प्रत्येक अगर हम एक स्टेमेन की संरचना को देखें तो ये स्टेमेन जो नर भाग होता है, इस छोटे से चित्र में दिखाया जा रहा है, जिसमें से पुष्पासन से जुड़े हुए अलग अलग स्टेमेन दिख रहे हैं। इनमें से प्रत्येक स्टेमेन के 3 भाग होते हैं, इसको फिलामेंट, इसी तरह कनेक्टिव और एंथर, ये 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। अर्थात प्रत्येक स्टेमेन में 3 भाग हैं, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। फिलामेंट पुष्प के थैलमस से जुड़ी हुई एक पतली तंतुवत धागे सदृश
होती है जो एक ओर पुष्पासन से और दूसरी ओर एंथर से जाकर जुड़ी होती है। एंथर जनरली तौर पर पुतंतु के अग्रभाग पर गोल अंडाकार दानेदार या विशिष्ट रचना वाली विशिष्ट प्रकार की फॉलिबल या फॉलिकल के आकार की रचना होती है। ऐसी विशिष्ट रचना एंथर या पराग कोश के नाम से बोली जाती है। जनरली तौर पर यह एक ऐसी विशिष्ट रचना है जिनके अंदर पराग कण निर्मित होते हैं और इस तरह ये पराग कण नर युग्मक के रूप में काम करते हैं। ऐसे विशिष्ट प्रकार के रचना एंथर और इसके अंदर दानेदार कणयुक्त भाग एंथर या सीधे तौर पर एंथर के अंदर पराग कण कह सकते हैं जिसे हम पोलन ग्रेन्स के नाम से बोलते हैं जो नर युग्मक के रूप में भी जाने जाते हैं। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम कनेक्टिव के द्वारा किया जाता है और यह कनेक्टिव वास्तव में एक स्टराइल प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो ना तो नर और ना तो मादा प्रकृति के होते हैं। जनरली तौर पर फिलामेंट और एंथर को आपस में जोड़ने का काम कनेक्टिव के थ्रू किया जाता है। इस प्रकार इसकी एक इकाई एंथर या इस एंथर की एक इकाई स्टेमेंस कहलाई और प्रत्येक स्टेमेन में तीन भाग फिलामेंट कनेक्टिव और एंथर कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम मादा पुष्प की संरचना की ओर देखें तो मादा पुष्प में भी इसकी एक इकाई कार्पल कहलाती है। इस तरह कार्पल अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार का होता है। जब प्रत्येक कार्पल एक दूसरे से संयुक्त होकर जुड़कर एक सम्मिलित रचना बनाता है तो इस स्थिति को हम सामान्यतया एक तरह से सिनकॉर्पस कंडीशन, लेकिन जब प्रत्येक कार्पल एक दूसरे से पृथक होता है अलग अलग होता है सेपरेट होता है अर्थात प्रत्येक कार्पल की रचना को अगर हम देखें इसमें से कार्पल की रचना अलग अलग हो सकती है और प्रत्येक कार्पल एक दूसरे से सेप्टम के द्वारा अलग है और इस प्रकार ऐसी कंडीशन जनरली तौर पर पृथक स्वरूप में जिसे हम एपोकार्पस कंडीशन के नाम से बोलते हैं। इस तरह प्रत्येक कार्पल इस कार्पल के संयोजन से बना हुई अवस्था जनरली इस अवस्था में आप देख रहे हैं कि चारों ओर ये कार्पल ओबरी वाल है और इस ओबरी वाल के अंदर कार्पल एक दो तीन चार चार कार्पल है अर्थात यह टेट्रा कार्पलरी अंडाशय है। कार्पल की संख्या के आधार पर एक है तो मोनोकार्पलरी, दो है तो बाई कार्पलरी, तीन है तो ट्राई कार्पलरी, टेट्रा पेंट्रा एंड पॉलीकार्पलरी प्रकार का अंडाशय हो सकता है। प्रत्येक कार्पल जब आपस में एक्सिस वाले भाग से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन कार्पलों के बीच में लोक्यूल्स इस सेप्टम के थ्रू अलग होता है तो यह एपोकार्पस कंडीशन कहलाती है। लेकिन अगर ऐसा पुष्प जिसमें कार्पल से एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन एक दूसरे से पृथक नहीं है बल्कि इसका लोक्यूल इससे जुड़ा है, इसका लोक्यूल इससे जुड़ा है और इस प्रकार प्रत्येक कार्पल आपस में एक संयुक्त अवस्था में है, ऐसी अवस्था सिनकॉर्पस अंडाशय कहलाती है। इस प्रकार अलग अलग कार्पल की संख्या के आधार पर इनको मोनोकार्पलरी, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा और पॉलीकार्पलरी अंडाशय बोल सकते हैं। लेकिन जब ये आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से संयुक्त अवस्था मिलते हैं तो सिनकॉर्पस, लेकिन जब एक दूसरे से पृथक होते हैं तो इसे एपोकार्पस कंडीशन के नाम से बोलते हैं। जनरली प्रत्येक कार्पल में महत्वपूर्ण भाग एक्सिस से चाहे जुड़ा हो चाहे किनारे से जुड़ा हो प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल जुड़ा होता है और इस तरह कार्पल की संख्या के आधार पर ओव्यूल की संख्या का भी निर्धारण किया जाता है। इस तरह ऐसी रचना ओव्यूल कहलाती है जो एक्सिस वाले भाग से या किसी ओवरी के आधारी भाग से जुड़ा हो सकता है। इस तरह ऐसी रचना प्लेसेंटा ये ओव्यूल संरचना के नाम से बोली जाती है। एक्सिस से ये ओव्यूल कार्पल की संख्या के आधार पर हम इसकी संख्या भी निर्धारित करते हैं। जनरली तौर पर इसमें चार कार्पल हैं, निश्चित तौर पर ओव्यूल की संख्या चार है और इस प्रकार ओव्यूल एक तरह से मादा पुष्प के अंदर ये रचना ओव्यूल की दिखाई देती है अर्थात जो अंडाशय के अंदर स्थित होता है। यदि हम गाइनोसियम की संरचना को सामान्य रूप से देखें तो गाइनोसियम सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो मूल रूप से तीन अलग अलग रचनाओं से मिलकर के बना होता है जिसमें आधारी भाग ओवरी अर्थात अंडाशय, स्टाइल यानी वर्तिका और अंतिम में स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहलाता है।
इस तरह प्रत्येक गायनोसियम के तीन भाग हो गए, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी किसी भी मादा पुष्प के अंडाशय की रचना को अगर हम देखें तो यह थैलमस से जुड़ा हुआ एक गोल अंडाकार पुटिका नुमा आधारीय भाग होता है जो मादा पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी भाग में वास्तव में गोल अंडाकार विशिष्ट प्रकार की रचना ओव्यूल स्थित होती है और इस तरह ओवरी के अंदर पाई जाने वाली ऐसी विशिष्ट रचना ओव्यूल, ओव्यूल्स हिंदी में इसको अंडक के नाम से बोलते हैं। इस तरह यह एक मादा भाग या मादा युग्मक के रूप में काम करने वाला महत्वपूर्ण भाग होता है और इस तरह ओव्यूल अंडाशय के अंदर स्थित होने वाला महत्वपूर्ण भाग है। अंडाशय आगे की ओर समेकित होकर एक नाला का रचना बनाती है और यह नाला का रचना वर्तिका या स्टाइल के नाम से बोली जाती है। वर्तिका के सबसे अग्रभाग पर मुग्धर के आकार का प्लेट या डिस्कनुमा या एक उभरी हुई महत्वपूर्ण रचना के रूप में स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होता है। अलग अलग विभिन्न प्रकार की में पुष्पों या परागण के आधार पर स्टिग्मा की रचना भी अलग अलग प्रकार की होती है। पुष्प में परागण कैसे होता है अर्थात जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा या अन्य कौन सी विधि इसके लिए उपयुक्त होती है उसकी प्रकृति के आधार पर स्टिग्मा की संरचना का निर्धारण होता है। इस तरह एक मादा पुष्प में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र जैसे महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। अब हम पुष्प की संरचना के अंतर्गत सामान्यतः यह गायनोसियम एक चौथा और महत्वपूर्ण चक्र माना जाता है। इस चौथे चक्र के अंतर्गत इसकी एक इकाई कार्पल और साथ ही साथ यह अलग अलग महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाला भाग है। पुष्प में नर जननंग, मादा जननंग, गायनोसियम ये दोनों परागण और निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं और निषेचन की क्रिया के द्वारा बीज के निर्माण का काम, फल के निर्माण का काम गायनोसियम के द्वारा किया जाता है। जनरली पुष्प में जो अंडाशय होता है अंडाशय परिपक्व होकर के फल का निर्माण कर देता है और ओव्यूल यानी बीजांड विकसित होकर के बीज के निर्माण का काम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंडाशय का परिपक्व भाग ही फल कहलाता है और बीजांड का विकसित भाग बीज कहलाता है। अब द्वितीय चैप्टर के अंदर फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट एवं विकास के बारे में जो द्वितीय चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर मेल गैमेट्स अर्थात लघु युग्मोद्भिद की संरचना एवं उसका विकास, जिसके साथ साथ नर युग्मक जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं पोलन ग्रेन्स की संरचना पर भी उसकी विशेषता आदि को बताया जाएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम स्टेमेंस की रचना से प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः अभी अपन एक नर पुष्प के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वह एंड्रोसियम यानी पुमंग कहलाता है। पुमंग फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव से मिलकर के बनता है। एंथर एक गोल पुटिका के आकार की फिलामेंट के अग्रभाग पर पाए जाने वाली विशिष्ट रचना होती है। इस एंथर के अंदर अनेक छोटी छोटी गोल अंडाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं और यह पोलन ग्रेन्स नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट के रूप में कार्य करता है जो आगे पादप प्रजनन के पोलिनेशन अर्थात परागण तथा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया में सहयोग प्रदान करते हुए जायगोट के निर्माण में सहभागी होता है। इस प्रकार पोलन ग्रेन्स के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह वास्तव में
पोलन मदर सेल के द्वारा पूर्ण किया जाता है। जब हम इस एंथर की संरचना का टीएस काटते हैं, अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो इस एंथर की अनुप्रस्थ काट की संरचना वास्तव में इस प्रकार की होती है। एंथर, अगर हम इसके रचनात्मक विशिष्टता को देखें तो यह एक लोब लाइक रचना होती है। सामान्यतः एंथर दो लोब लाइक रचना या द्वि पालिवत रचना होती है। प्रत्येक पाली दो भागों में बटी होती है, अर्थात दो पोस्ट या चेंबर का निर्माण करती है। इस तरह दाई ओर की और बाई ओर की पालियां दो दो प्रकोष्ठों का निर्माण करके यहाँ पर चार अलग अलग छोटे छोटे पोलन चेंबर्स स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस तरह इन्हें हम पोलन चेंबर्स के नाम से बोलते हैं। प्रत्येक पोलन चेंबर्स के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण भित्तियां होती हैं, और ये पोलन चेंबर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स कैसे विकसित होता है, अगर हम इसकी विशिष्ट रचना को विस्तारित स्वरूप में देखें तो आपको इस संरचना पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। वास्तव में पोलन ग्रेन्स नर युग्मक कहलाते हैं जो पोलन चेंबर के अंदर डेवलप होते हैं। जब हम पोलन चेंबर की आंतरिक संरचना को देखते हैं तो इसके अंदर की ओर अनेक अस्तर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मल प्रकार की लेयर होती है जो एक बाह्य आवरण या अध्यावरण प्रदान करती है। पोलन चेंबर को सबसे बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मल लेयर का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। इसके ठीक अंदर की ओर विशिष्ट प्रकार की हाइपोथीसियल सेल्स होती हैं, या इसे एंडोथीसियल्स के नाम से भी अपन बोल सकते हैं। ऐसे विशेष प्रकार की अंदर की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और विभाजित होकर मिडल लैमेली तथा अंदर की ओर पोलन मदर सेल जैसे महत्वपूर्ण जनरेटिव लेयर का निर्माण करती है। मिडल लेयर के ठीक अंदर की ओर महत्वपूर्ण बार बार विभाजन करके पोलन ग्रेन्स का निर्माण करने वाली विशेष प्रकार के अस्तर पोलन मदर सेल का आवरण होता है, लेयर होता है। ऐसी कोशिकाएं सामान्यतः द्विगुणित प्रकार की जिनमें मियोसिस डिवीजन के द्वारा अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लॉइड यानी अगुणित प्रकार के युग्मक, नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं जो पोलन चेंबर के अंदर छोटे छोटे दानेदार कण के रूप में बिखरे होते हैं। पोलन चेंबर वास्तव में पोलन मदर सेल के बीच बीच में विशेष आकार में लंबी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ऐसी कोशिकाएं टेपिटेम सेल्स कहलाती हैं जो एक पोषण देने का काम पोलन ग्रेन्स को करती हैं। वास्तव में अगर हम पोलन चेंबर की रचना को विस्तारित स्वरूप में यहां पे देखें तो ये एंथर लोब दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये पोलन चेंबर्स दिख रहे हैं। प्रत्येक पोलन चेंबर्स की रचना समान प्रकार की होती है जिनके बीचों बीच वैस्कुलर टिश्यूज पाया जाता है। ये वैस्कुलर टिश्यूज वास्तव में एंथर के विभिन्न भागों को, उनकी कोशिकाओं को आवश्यक पोषण देने का काम करता है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे महत्वपूर्ण कंडक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। साथ ही साथ पोलन ग्रेन्स के प्रत्येक पोलन चेंबर में बाहर की ओर एपिडर्मल कोशिकाएं, हाइपोथीसियल कोशिकाएं, फिर मिडल लैमेली के रूप में या एक तरह से मिडल लेयर के आवरण, और अंत में इंडोथीसियल सेल्स के ठीक अंदर की ओर जिसको हम कह सकते हैं पोलन मदर सेल का आवरण होता है। और ऐसी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, विभाजित होकर दानेदार पार्टिकल्स के रूप में पोलन ग्रेन्स का निर्माण करती हैं। इस प्रकार
एक पोलन चेंबर की मदर सेल कोशिकाओं, जिसे हम एक तरह से पोलन मदर सेल कह सकते हैं, ऐसी कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर नर युग्मक पोलन ग्रेन्स के निर्माण की प्रक्रिया ही वास्तव में युग्मक जनन के नाम से बोली जाती है। यहां पर पोलन ग्रेन्स रचना के रूप में अगर हम गौर से देखें तो प्रत्येक पोलन चेंबर के अंदर डेवलप होते हैं। जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का विकास पूर्ण हो जाता है, पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में वास्तव में इनमें स्फुटन होता है और इनके स्फुटन के परिणाम स्वरूप ये पोलन ग्रेन्स पोलन चेंबर से बाहर आ जाते हैं और परागण यानी पोलिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगर हम पोलन ग्रेन्स की वास्तविक संरचना को गौर से देखें तो प्रत्येक पोलन ग्रेन्स में दोहरे विशिष्ट प्रकार की भित्तियां स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। प्रत्येक पोलन ग्रेन्स में बाहर की ओर ये काइटिन जैसे पदार्थों से बना हुआ एक्सटाइन लेयर होता है। ऐसे एक्सटाइन लेयर अलग अलग विभिन्न प्रकार के पौधों के पोलन ग्रेन्स में इनकी लेयरें और इनकी वास्तविक रचना में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी दिखाई देता है। ऐसे एक्सटाइन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पोलन ग्रेन्स के बाह्य अध्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके ठीक अंदर की ओर अगर अपन देखें तो सेल्यूलोज के द्वारा जो एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड होता है, सेल्यूलोज जैसे पॉलीसेक्राइड के माध्यम से बनी हुई इंटाइन लेयर होती है। इस तरह पोलन ग्रेन्स के बाहर की ओर एक्सटाइन और अंदर की ओर इंटाइन लेयर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पाई जाती है। इंटाइन लेयर के अंदर कोशिका का कोशिका द्रव्य पदार्थ यानी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भरा होता है और ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में सेल के विभिन्न सेल पार्टिकल्स, सेल ऑर्गन्स और साथ ही साथ न्यूक्लियाई भी व्यवस्थित होते हैं। साथ ही साथ इनमें वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ऐसी विशिष्ट प्रकार की पोलन ग्रेन्स जो एक हैप्लॉइड कोशिका होती है, अगुणित कोशिका होती है, इनमें दो विशिष्ट प्रकार के न्यूक्लियाई भी देखे जा सकते हैं। एक न्यूक्लियाई जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियाई या पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। ऐसे ट्यूब न्यूक्लियाई को हम जनरेटिव न्यूक्लियाई के नाम से बोलते हैं। और एक महत्वपूर्ण जिसे हम मेल न्यूक्लियाई या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई वास्तव में मादा के बीजांड यानी मादा के अंडाशय में पाए जाने वाले बीजांड के अंदर एक सेल और पोलर वाले न्यूक्लियाई से फ्यूज करके डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का व्यवस्थित रूप से संपादन करते हैं। मेल न्यूक्लियाई एग सेल न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है और वास्तव में जायगोट का निर्माण करता है। इसी प्रकार पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई आगे चल करके बीजांड के पोलर बॉडी से फ्यूज होगा और वास्तव में इनके द्वारा एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का निर्माण होगा। इस प्रकार एक मादा युग्मक के रूप में पोलन ग्रेन्स काम करता है जो वास्तव में परागण की क्रिया और तत्पश्चात निषेचन की क्रिया में भाग लेकर नर जनन अंग के महत्वपूर्ण युग्मक के रूप में कार्य करते हुए पादप प्रजनन के कार्य का संपादन करता है। रोक दीजिए।